स्वर्ग प्राप्त करना बहुत सरल है। उक्त उद्गार गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन डॉक्टर मधुसूदन गीते ने ग्राम देलगांव में आयोजित हर हर गंगे अभियान के अंतर्गत दंपत्ति शिविर में व्यक्त किए। स्वर्ग का द्वार हर मनुष्य के लिए खुला है, जो चाहे सो उसमें बड़ी आसानी से प्रवेश कर सकता है। परमात्मा ने श्रेष्ठ शुभ और पुण्य कार्यों को बड़ा ही सरल बनाया है। झूठ बोलने में बहुत सोचने समझने विचारने और संभल संभल कर बात करने की ज़रूरत होती है, किंतु सत्य बोलने में ज़रा भी खटपट नहीं। चोरी करने के लिए बड़ी तिकड़म लगानी पड़ती है, परंतु ईमानदारी से रहना बेहद आसान है। एक कम बुद्धि का आदमी भी ईमानदारी का व्यवहार बड़ी सुगमता से कर सकता है। इस प्रकार जुआ व्याभिचार ढोंग छल आदि में पग पग पर कठिनाई पड़ती है, परंतु पावन कर्तव्यों का पालन करते रहना बेहद आसान है। इसमें आपको बदनामी या कठिनाई नहीं है। लोग समझते हैं असत्य का और पाप का रास्ता सरल है और सत्य का धर्म का रास्ता कठिन, किंतु असल में ऐसा नहीं है। नरक के द्वार तक पहुंचने में बहुत कठिनाई है और स्वर्ग का द्वार सड़क के किनारे है, जहां हर कोई बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकता है। आपके अंदर जो ईश्वरीय दिव्य तेज जगमगा रहा है, उसके दर्शन कीजिए। उक्त उद्गार गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन डॉक्टर मधुसूदन गीते ने धनगांव के पास स्थित देलगांव ग्राम में आयोजित हर हर गंगे अभियान के अंतर्गत दंपत्ति शिविर में व्यक्त किया। इस अवसर पर शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि प्रोफेसर राहुल सतुना ने अभियान की जानकारी के साथ दीप यज्ञ संपन्न कराया। इस अवसर पर गायत्री परिवार के ट्रस्टी सुखपाल सिंह पवार, देवेंद्र सिंह यादव, मोहन सिंह चौहान, जगदीश समेड़िया, ब्रजेश पटेल, परिव्राजक भैरव सिंह चौहान, सनावन शाखा से पन्नालाल चौहान सहित ग्रामवासी व आसपास की शाखाओं से परिजन उपस्थित हुए। खंडवा ब्यूरो की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।